हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लिव विद किसनील में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। गाइस, आज मैं आपके साथ अपनी सावन की और तीज की कांच की चूड़ियां और कड़े शेयर करूंगी जो मैंने कल ही परचेज किए हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। और ये सारी चूड़ियां कड़े मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाई है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ग्रीन कलर की चूड़ियां हैं, प्लेन कलर की चूड़ियां मैंने परचेज की है, ये दो दर्जन है। तो इनको मैं मोस्टली ऐसे भी पहनती हूँ और साथ में इनके किनारे किनारे एक कड़े लगा लो एक एक, वो भी बहुत प्रिटी लगते हैं और ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है और स्पेशली सावन में ये कलर मिलता है इसलिए मैंने इनको लिया। और ये डार्क ग्रीन कलर है, पत्ता ग्रीन कलर, इसी कलर के मैंने ये कड़े पहन रखे हैं और ये मैंने ये लोकल मार्केट से परचेज किया है। तो मैं इस टाइम इंदौर में रह रही हूँ, मैंने वहीं से परचेज किया है। और आप इसमें खनखन की आवाज सुन सकते हैं, तो बताना जरूर आपको ये चूड़िया कैसी लगी। नेक्स्ट चूड़िया गाइस ये हैं, तो इसमें थोड़ा सा वर्क है, ये एक दर्जन थी बट इसमें दो चूड़िया टूटी निकली और ये बहुत प्रिटी लगती हैं। किसी भी चूड़ी के साथ आप इसको मैच कर लीजिए, टीम अप कर लीजिए, बहुत प्यारी लगेगी। मैंने इसमें दो दर्जन ली थी, एक दर्जन ये है, मैंने इसको खोला नहीं है और ये मुझे बहुत प्यारी लगी। मैंने इसको अपनी किसी हैवी साड़ी पे पहनने के लिए लिया है। मुझे मेटल की चूड़ियां या फिर कड़े पहनने से थोड़ा दिक्कत होती है, रेसेस हो जाते हैं, इसलिए मैं मोस्टली कांच की चूड़ियां या कड़े ही लेती हूँ। और मेरे पास कलेक्शन आ रहा है तो मैं मेटल की चूड़ियां ज्यादा देर नहीं पहनती हूँ, कड़े रेसेस की वजह से दिक्कत होती है और बाकी मुझे अच्छे सारे लगते हैं। तो गर्मी में मुझे थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं मेटल के चूड़ियां और कड़े। तो अब बताइए आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट गाइस ये रामा ग्रीन कलर के कड़े हैं, तो इनका डिजाइन आपको मैं दिखाती हूँ। तो इस पे ये पीतल का वर्क है और ये इस पे जो आप वर्क देख रहे हैं पीतल का है और ये स्टोन लगे हैं छोटे छोटे और बहुत प्यारे लगते हैं। शॉपकीपर ने मुझसे बोला था कि ये पानी पड़ने से इसका कलर नहीं जाएगा, तो अभी मुझे नहीं पता, अभी मैं इसको देखूंगी तब मुझे पता चलेगा। पर मुझे बहुत प्रिटी लग रहा था इसलिए मैंने इसको परचेज किया। मुझे डार्क ग्रीन कलर चाहिए था पर उसके पास डार्क ग्रीन कलर नहीं था। और नेक्स्ट ये है गाइस, तो ये मैरून कलर का है, इसका सेम डिजाइन है और कलर चेंज है पर डिजाइन इतनी सुंदर थी तो मैंने इसको ले लिया। इसको रेगुलर में भी पहन सकते हैं, दो दो पहन सकते हैं, किसी चूड़ी के साथ टीम अप भी कर सकते हैं और ये सारे कांच के ही हैं। तो मैं आपको सारी अपने कांच के कड़े चूड़ियां दिखाती हूँ जो मैंने कल परचेज किए, तो ये इतने हैं और इसमें की और भी चूड़ियां हैं। अब बताना जरूर कि आपको मेरी चूड़ियां कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। और गाइस नया चैनल है तो इसको सपोर्ट जरूर दें। मैं इन चूड़ियों और कड़ों को पहनूंगी तो आप वीडियो और ब्लॉग जरूर बनाऊंगी, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। आप बताना जरूर कि मेरे ये चूड़ी हैं और कड़े आपको कैसे लग रहे हैं। वीडियो के एंड तक देखने के लिए आप सबका थैंक यू सो मच, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे देते रहे मेरी तीज स्पेशल। गाइस मैंने चैनल पे अपनी चूड़ियों का कलेक्शन शेयर किया है तो बहुत पिटी पिटी चूड़ियां हैं, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर लेना। मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक एड कर दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर लेना। आप देखना जरूर और मुझे कमेंट करना कि आपको कौन सी चूड़ी और कड़े सबसे ज्यादा अच्छे लगे। और चार पार्ट बनाए थे उसमें